सब लोगों को लगता है कि रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेज अगर हम घर पे बना सकें तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि हर बार रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, हर बार रेस्टोरेंट से मंगा नहीं सकते। तो एक ऐसी ही रेसिपी जो सिर्फ रेस्टोरेंट्स में मिलती है वो है हांडी पनीर। चलिए देखते हैं कैसे बनती है। आई ऑलवेज यूज़ अ गुड मिक्स ऑफ ऑयल एंड घी वेन एवर आई एम डूइंग एनी मुगलाई ग्रेवी। अब तेल और घी गर्म होना चाहिए, उसके अंदर खड़े मसाले, उसमें तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है, थोड़ा सा लवंग, थोड़ी सी काली मिर्ची, आप चाहें तो छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं। मसाले जब पकते हैं तो फटना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जलना शुरू कर देते हैं। सो हम चाहते हैं कि ऑब्वियसली मसाले जले नहीं, इसलिए चॉप करे हुए प्याज। ये रेस्टोरेंट्स की एक डिश है जिसमें एक हांडी में इस ग्रेवी को अच्छे से पकाया जाता है और उसके अंदर या तो चिकन पकाएं या पनीर पकाएं, तो वो नाम हांडी की वजह से हांडी पनीर या हांडी चिकन दिया गया। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन होना है जब तक हम पनीर काट लेते हैं। प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसमें कई तरह से चीज़ें जाएंगी। अब इसके साथ इसमें डालेंगे थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ी सी हरी मिर्च की पेस्ट। दोनों जब साथ में भुनती हैं तो एक अलग टाइप का टेस्ट आता है, बढ़िया वाला। हल्का सा पानी, अब पड़ेंगे जी सूखे मसाले। इसमें सबसे पहले गया हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया का पाउडर। अब इन मसालों को अच्छी तरह से भूनना है, उसके बाद इसमें डलेगा टमाटर, चॉप किया हुआ टमाटर, और वो सारी चीज़ें एक ग्रेवी के फॉर्म में आनी है। चलिए, चॉप किया हुआ टमाटर, अब ये टमाटर जो है ये साथ साथ पक रहा है, हल्का हल्का पानी डालते रहेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि यू डोंट वॉन्ट द ग्रेवी टू बी वॉटरी, क्योंकि उसके बाद इसे संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। हमें टमाटर को अच्छी तरह से पका देना है। अब ये पक रही भैया आराम से, इसको थोड़ा ढक्कन देके पका लिया जाए। अब थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के इसे एक अच्छा सा बॉईल दे सकते हैं, क्योंकि टमाटर जो है वो पक गया है और टमाटर को ऑलमोस्ट घुलना है, इस ग्रेवी को ऑलमोस्ट एक मतलब बढ़िया सी ग्रेवी बनना है। अब इस स्टेज पे रेस्टोरेंट्स में हम थोड़ी सी मखनी ग्रेवी डालते हैं। अच्छा, बटर चिकन की जो ग्रेवी थी ना, वही वाली ग्रेवी, लिंक देखिए, वो नहीं है तो हम टमाटो प्यूरी से काम चलाएंगे, हम काम रोकेंगे नहीं, स्किल तो हमारी है। नाउ इम्पॉर्टेंट टिप, काजू पेस्ट बनाएंगे कैसे? काजू को बॉईल करेंगे और उसके बाद उसकी पेस्ट बना लेंगे फाइन, और उसे जब हम कहीं पे भी डालेंगे किसी भी ग्रेवी में तो उसे घोल के डालेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं तो लम्प्स पड़ जाएंगे। देन ओनली पुट। काजू पेस्ट को अब अच्छे से पकाया जाएगा, साथ ही में पड़ेगा थोड़ा सा खोआ यानी कि मावा। रिच ग्रेवी होती है इसकी। डालेंगे नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा जावित्री पाउडर। वर्ड ऑफ कॉशन, हमने इसको घी से स्टार्ट किया, इसमें काजू पेस्ट डाला, इसमें अब बटर, क्रीम, ये दोनों चीज़ें जाएंगी। सो इट इज़ अ रिच ग्रेवी, बट दैट्स हाउ सम ऑफ दीज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फूड इज। चॉप किया हुआ धनिया,
ले जी। और फाइनल फिनिश थोड़ा सा कसूरी मेथी पाउडर एंड वी आर डन। ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, पनीर को पकाने की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, पनीर को लगाएंगे बोल में सीधा। एंड द ग्रेवी राइट ऑन इट। गार्निशिंग इट विद लिल बिट ऑफ द खोया, सम फ्रेश कोरिएंडर एंड वी आर डन। हांडी पनीर रेस्टोरेंट स्टाइल अब आपके घर में बन सकता है इस तरीके से। ऑब्वियसली अगर आप फाइन करना चाहें तो खड़े मसाले निकाल दीजिए, ग्रेवी को प्यूरे कर दीजिए स्मूथली, उसको एक सीव से निकाल लीजिए और कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिक कर लीजिए अगर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चाहिए। अगर इतना तामझाम नहीं करना तो दिस इज गुड इनाफ। ट्राई करिए, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, तो शेयर तो करेंगे ही।